जी नाजरीन, हम इस वक्त ज़िला कचहरी में मौजूद हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि विरासत इंतकाल के बारे में उनको कौन कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और विरासत इंतकाल के हवाले से उनकी मद में कितने पैसे वसूल किए जाते हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अजमत खोखर है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको विरासत इंतकाल में कौन कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये अमले का जो नॉर्मल सलूक है ये तो दिल पे जाग लगता है। दूसरी बात ये है कि लंबी लाइनें, पता नहीं ये हमें दलील कर रहे हैं, दलीलों खुआर हो रहे हैं। डिग्री लेके आते हैं तो फिर कहते हैं तहसीलदार साहब के पास एप्लीकेशन आप अप्रूवल कराएं, फिर अप्रूवल कराते हैं, फिर कहते हैं आज साहब नहीं है, कल आ जाएं। सारा दिन यहाँ पे क्यू पे लगा रहना पड़ता है। ठीक है, जब इनके पास जाते हैं तो कहते हैं जी घंटे बाद आना, दो घंटे बाद आना। ठीक है, अभी आपकी टोकन की बारी नहीं आई। जो पैसे देते हैं उन्हें जल्दी टोकन मिल जाते हैं। जो बेचारे मेरिट पर काम करते हैं उन्हें उनके साथ वो कभी कहते हैं जी साइन करवाने के लिए चले जाएँ, कभी इस साहब के पास चले जाएँ, कभी उस पास साहब के पास चले जाएँ, ऐसे वो जलील करते हैं। पहले तो चक्कर लगवाते हैं, कोई हफ्ता दस दिन महीना पहले चक्कर लगवाएंगे, उसके तो बाद जब पटवारी मिलेगा तो तहसीलदार नहीं मिलेगा, ऐसे चक्कर कई लगते हैं। सबसे पहले जब चले जाएं कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम है सारे, लेकिन एप्लीकेशन लिख के लाएँ, एफिडेविट लिख के लाएँ, जब एफिडेविट ले जाते हैं वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं। देखें वो उनका कोई फिक्स रेट नहीं है, रिश्वत के जुमरे में आता, जो जितने मर्जी ले लेते हैं। 50,000 दे दो, 25,000 दे दो, 30,000 दे दो, इसी तरह चक्कर लगवाते रहते हैं। जब बारी आती है तो कहते हैं कि टाइम खत्म हो चुका है, कल आप तशरीफ लाइएगा। ठीक है, जो पैसे देते हैं उनका काम हो जाता है, जो नहीं देते उनका काम, वो बेचारे जलील होकर जाते हैं यहाँ से। लोगों का यही कहना है कि इस बात को खत्म किया जाए और हमें चक्कर लगवाए जा रहे हैं, अगर पैसे ज़्यादा दें तो काम जल्दी हो जाता है, अगर पैसे ना दें तो काम को अजाफी लेट किया जाता है। कैमरा मैन मसूद लाई के साथ अबू बकर सदीक, मीडिया 92।